दोस्तों, क्या कभी आपने भी हिल स्टेशन पर जाकर स्नोफॉल को एंजॉय किया है? जरूर ही वो दिन आपकी जिंदगी का बेस्ट दिन रहा होगा। तब शायद आपने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके #bestdayever और #enjoyingsnowfall जैसे टैग्स के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी जरूर किया होगा। वैसे अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है तो कभी किसी ब्यूटीफुल पिक्चर को देख कर ही सही, आपके मन में ऐसी जगहों पर जाने का ख्याल तो जरूर आया होगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। ये बर्फ वाली जगहें हमें रोमांचित तो बहुत करती हैं, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए लाइफ कितनी मुश्किल होगी। यहाँ तो महज 2-3 महीने की सर्दियों में अगर टेम्परेचर थोड़ा भी नीचे होता है तो हम ऐसे ठिठुरने लगते हैं जैसे हमारे घर पर ही बर्फ गिर गई हो। मगर दुनिया के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ रहने वाले लोग अक्सर धूप के लिए भी तरसते हैं। चलिए अब ये छोटी मोटी बातें छोड़कर जरा दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में बात करते हैं। वो जगह जहाँ का पारा कभी कभी -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, -70 डिग्री। ऐसा शहर जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ हर चीज जम जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कहीं आना जाना या फिर रोजमर्रा के बाकी काम किस तरह करते होंगे? दोस्तों, उनके जैसे लाइफ जीना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। तो चलिए आज आपको उसी शहर के सफर पर लेकर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस नई वीडियो पर। रूस की राजधानी मॉस्को से पूर्व की तरफ 3000 मील का सफर तय करने के बाद आता है दुनिया का वो सबसे ठंडा कोना जिसका नाम है ओमियाकॉन। इस जगह को नॉर्दर्न पोल कोल्ड भी कहा जाता है। साइबेरिया में बर्फ की घाटी में बसा ये एक छोटा सा गांव है जो कि इंसानों की बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। साल 2018 के डेटा के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 500 से 900 लोगों की है। ये लोग हर दिन जिंदगी से जूझते हैं। यहाँ देखते ही देखते पानी जम जाता है और चेहरा बर्फ से ढक जाता है, फिर भी यहाँ लोग बसे हुए हैं। वैसे तो साइबेरिया के याकूटी शहर की राजधानी याकूट्स भी दुनिया के सबसे ठंडे शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन ओमियाकॉन इससे भी 4 कदम आगे है। बहुत सी टूर एंड ट्रेवल कंपनीज याकूट से ओमियाकॉन के सफर पर लेकर जाती है ताकि लोग भी एक्सपीरियंस कर सके कि दुनिया के सबसे ठंडी जगह में जिंदगी कैसी होती है। अगर आपको कभी इस जगह पर जाने का मौका मिले तो आप पाएंगे कि यहाँ दूर दूर तक जमीन नहीं है, यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है। आपको ये भी बता दें कि इस जगह का नाम यहाँ बहने वाली ओमियाकॉन नदी के नाम पर रखा गया है, और ये नाम अपने आप में ही खास है, और वो इसलिए क्योंकि स्थानीय भाषा में ओमियाकॉन का मतलब होता है अनफ्रोजन पैच ऑफ वाटर, यानी कि वो जगह जहाँ मछलियाँ अपनी सर्दियाँ बिताती हैं, क्योंकि पानी का वो हिस्सा कभी नहीं जमता। मगर प्रकृति का खेल देखिए, इस शहर के हालात तो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पानी तो क्या, आदमी भी जम सकता है, और इन्हीं हालातों की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन काफी मुश्किलों से भरा है। अब हम वहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन चलिए आज हम आपको इनकी डेली लाइफ और रूटीन की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। ओमियाकॉन इतना ठंडा शहर है कि अक्सर लोगों का रोजमर्रा का काम ठप पड़ा रहता है, ना तो कोई काम पर जा पाता है और ना ही कोई भी काम हो पाता है। और तो और, यहाँ जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर ही बर्फ जम जाती है। लोग 6 से 7 लेयर कपड़े पहनते हैं। यहाँ की बेतहाशा सर्द जिंदगी इतनी मुश्किल है कि दौड़ने भागने जैसे सामान्य कामों के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जरा सी लापरवाही से जान भी जोखिम में पड़ सकती है। सर्दियों के सीजन में तो यहाँ लोगों को दिन की रोशनी सिर्फ 3 घंटों के लिए ही नसीब होती है। हाँ, मगर गर्मियों में यहाँ 21 घंटों तक भी रोशनी रहती है। यहाँ पर सभी घर लकड़ी से ही बनाए जाते हैं क्योंकि कोई भी दूसरा मटेरियल यहाँ किसी काम का नहीं है। वही टॉयलेट्स इन घरों से बाहर बनाए जाते हैं क्योंकि इंडोर प्लम्बिंग यहाँ संभव नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ गीले कपड़े कुछ ही सेकंड में सुखाए जा सकते हैं, क्योंकि जब उन गीले कपड़ों को बाहर सुखाया जाता है तो लो टेम्परेचर की वजह से कुछ ही सेकंड्स में उनका पानी जमकर बर्फ का रूप ले लेता है, और फिर उस सूखी बर्फ को हटाकर कपड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ नदियों से लेकर पेड़ों तक हमेशा सब कुछ जमा हुआ रहता है, ना कोई मशीन काम करने लायक रहती है और ना ही गाड़ियाँ चलने की कंडीशन में होती हैं। गाड़ी चलाने के लिए उसे हीट गैराज में रखना पड़ता है। बता दें कि इस शहर में कोई भी अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करता, क्योंकि इंजन रुकते ही अक्सर जाम हो जाता है और उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए फिर आग की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मोबाइल फोन्स आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी यूजलेस हैं। यहाँ के नलों में पानी भी नहीं आता, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है
इतने कम तापमान में वाटर पाइप्स भी जम ही जाएंगे। ऐसे में यहाँ रोजाना टैंकर की मदद से पानी को एक बॉयलर पॉइंट में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर पानी को गर्म करने के बाद गाँव के घरों तक इसे सप्लाई किया जाता है। बता दें कि इस बॉयलर को भी 2400 घंटे जलाए रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी आग के ठंडे पड़ जाने का मतलब है ओयमयाकॉन की जिंदगी का ठंडा पड़ जाना। जब वहाँ रहने वाले लोगों के घरों तक पानी पहुँचता है तो उसे तुरंत गर्म ड्रमों में भरना पड़ता है, क्योंकि जरा सी देरी होने पर पानी पाइप में ही जम जाता है। यहाँ ठंड की वजह से जमीन भी इतनी सख्त हो जाती है कि उसे आग जलाकर नरम करना पड़ता है। जब कोई गड्ढा खोदा जाता है तो हर दिन काम खत्म करने के बाद गड्ढे के कोने में सुलगता हुआ कोयला रख दिया जाता है, ताकि बर्फ से गड्ढा ना भर जाए। और क्योंकि इस बर्फीली जगह पर खेत खलिहानों का होना नामुमकिन है, ऐसे में यहाँ खेती भी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ ब्रेड, अंडे, मीट और फिश ही खाते हैं। यहाँ तो मरने वालों को कब्र नसीब होना भी किस्मत की बात है। 3 दिन की मेहनत के बाद ही यहाँ कब्र खोदी जा सकती है। लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि इस ठंड में ज्यादा वक्त तक काम करने से जिस्म का हार्ड मास भी बर्फ बन सकता है। यहाँ तो ये कंडीशन है कि सांस लेने तक के लिए लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना लोगों को भी बर्फ की तरह जम जाने का खतरा हमेशा बना रहता। मगर यहाँ रहने वाले लोग ऐसी ही कई चुनौतियों के आदि हो चुके हैं, ऐसे में वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। ओमयाकॉन एक ऐसा गांव है, यहाँ के बच्चों के लिए रोजाना स्कूल जाना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। जहाँ सर्दियों में 8 से 10 डिग्री के टेम्परेचर में भी हम में से बहुत से लोग सुबह जल्दी उठकर स्कूल या ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, वहीं इस शहर के बच्चे -40 डिग्री सेल्सियस जैसी ठंड के बावजूद रोजाना स्कूल जाते हैं। और इन बच्चों को सही टाइम और सेफ्टी के साथ स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी है ओमयाकॉन के इकलौते स्कूल बस ड्राइवर के हाथों में, जो उन्हें एक ऐसी बस में स्कूल पहुंचाता है जिसका इंजन फ्लूइड फ्रीज प्रोटेक्टेड होता है। वहां एक ही स्कूल है जिसमें 25 टीचर्स लगभग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि यहां के बच्चे तब तक स्कूल नहीं जा सकते जब तक तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। बता दें कि जून और जुलाई ही सिर्फ ऐसे महीने हैं जब यहां का तापमान कभी -10 डिग्री से ऊपर जाता हो, जबकि जनवरी के महीने में आमतौर पर यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। जनवरी 1924 में यहाँ पर आज तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी याद में इस शहर में एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है। और इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अंटार्कटिका ही ऐसी जगह है जहाँ आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ओमयाकॉन की सर्दियाँ काफी लंबी और ठंडी होती हैं, जबकि यहाँ की गर्मी काफी वार्म और कभी कभी हॉट भी होती है। वैसे इस गांव में जब ठंड कुछ कम होती है तो कभी कभी सूरज आसमान पर दिखाई दे जाता है, लेकिन उसकी गर्मी लोगों को महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पड़ी बर्फ की मोटी चादर सूरज की किरणों को वापस वायुमंडल की तरफ फेंक देती है। दरअसल इस जगह पर इतनी ठंड रहने के पीछे की वजह है ओमयाकॉन शहर के पास मौजूद 2 घाटियाँ। ये घाटियाँ ही इस शहर के अंदर हवा का एक जाल बनाती हैं, जिससे यहाँ की जलवायु पूरे साल ही बेहद ठंडी बनी रहती है और अक्सर यहाँ स्नोफॉल भी होता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ के हालात इतने खतरनाक हैं, तो आखिर यहाँ लोग बसे क्यों हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे है ओमयाकॉन का अजीब इतिहास। 1920 से 1930 में ये जगह फौज, गडरियों और नोमैड्स के लिए कुछ वक्त ठहरने की जगह हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सोवियत सरकार के लिए यहाँ के नोमैडिक लोगों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए ओमयाकॉन में बसा दिया। तब से ओमयाकॉन इंसानी बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह बनी हुई है। तो दोस्तों, अब ये तो साफ है कि हमारी ठंड और इन लोगों की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो सर्दियों में हम अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल देते हैं। घर से कहीं बाहर जाते वक्त हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर खुद को इन सर्द हवाओं से बचा लें, लेकिन हमें फिर भी ठंड महसूस होती रहती है। तो जरा सोचिए, अगर आपको भी -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में रहने को कहा जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, किसी जगह पर कुछ दिन के लिए घूम कर आना और हमेशा वहाँ रहने में काफी फर्क होता है, और जब वो जगह ओमयाकॉन जैसी हो तब तो शायद वहाँ रहने का ख्याल भी हम पर भारी पड़ सकता है। अब इस जगह के बारे में जानने के बाद हम तो आपको यही सलाह देंगे, फिलहाल इधर उधर घूमने का ख्याल छोड़िए, काम में मन लगाइए, अपना कंबल उठाइए और कोजी होकर सो जाइए। लेकिन उससे पहले जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक